बिहार में सीएम नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक में नहीं बुलाए गए आरजेडी कोटे के मंत्री। धान खरीद पर सीएम नीतीश ने बुलाई थी बैठक। सीएम के समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री के शामिल नहीं होने पर सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने दिया जवाब। का हर बैठक में मंत्री का शामिल रहना जरूरी नहीं। बिहार में महाराष्ट्र जैसे हालात से सीएम नीतीश कुमार ने किया इनकार। कहा बिहार में लगातार बढ़ रहा है जेडीयू का जनाधार। पार्टी का हर मुद्दे पर स्टैंड क्लियर। बीजेपी नेता निखिल आनंद जेडीयू के यूटर्न पर साधा निशाना। कहा रसातल में जा रही है जेडीयू। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर सियासत जारी। सीएम नीतीश कुमार ने भी तोड़ी चुप्पी। कहा सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। शिक्षा मंत्री के बयान पर बीजेपी ने आरजेडी को घेरा ट्वीट के जरिए। आरजेडी पर सुशील मोदी का हमला। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को पार्टी से निकालने की मांग। बिहार में रामचरितमानस पर महागठबंधन में मतभेद। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने शिक्षा मंत्री के ट्वीट पर दिया जवाब। नया बिहार विकसित बिहार तेजस्वी कुमार का नया स्लोगन। बिहार में सुधाकर सिंह के विवादित बयान पर महागठबंधन में मतभेद। जेडीयू कोटे से मंत्री लेसी सिंह ने की बयान की निंदा। कहा आरजेडी को इस मामले में फैसला लेना चाहिए। पटना को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम कर रहा काम। 660 जगहों को चिन्हित कर 26 जनवरी को लगाए जाएंगे स्वच्छता कार्यक्रम। पटना में CPIML ने देश में आर्थिक विषमता पर दिया बयान। देश की 1% आबादी के पास देश की 40% संपत्ति। भागलपुर में शिक्षा मंत्री के बयान के विरोध में रामचरितमानस का पाठ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया पाठ। शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर दिया था विवादित बयान। बाढ़ में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला दहन। रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद किया गया विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। अरवल में सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा। जीविका दीदियों से सीएम का विकास कार्यों का जायजा लेने की आई तस्वीरें सामने। बिहार के खगड़िया पहुंचा कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भी हुई शामिल। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को दी नसीहत। का शिक्षा मंत्री को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। साहिबगंज में बीजेपी की ओर से बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग में शामिल हुए केंद्रीय रेल राज्य मंत्री। बरहेट विधानसभा व राजमहल लोकसभा में ठोका जीत का दावा। कैशकांड मामले में पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे नमन विक्सल कुंगाड़ी। ईडी दफ्तर पहुंचे नमन विक्सल कुंगाड़ी के वकील। वकील ने कहा ईडी से समय की मांग की गई है। ईडी ने पूछताछ के लिए भेजा था नमन विक्सल कुंगाड़ी को समन। कैशकांड में ईडी के समन के बाद नहीं पहुंचे कांग्रेस के तीनों विधायक। बीजेपी ने कांग्रेस विधायकों पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस के नेताओं ने ही कांग्रेस विधायक को फंसाया। रांची में सीएम आवास के घेराव के बाद चिकित्सा कर्मी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। नियमितीकरण को मांग कर लेकर दे रहे हैं धरना कर रहे प्रदर्शन। रांची के नगड़ी में आईआईएम हॉस्टल से छात्र शिवम पांडे का शव बरामद। फांसी के फंदे से लटका मिला शव। घटना की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में छापेमारी करने पहुंचे उत्पाद विभाग की टीम के जवान की मौत। बूढ़ी गंडक नदी में डूबकर हुई मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। धनबाद में यात्री बस पर पथराव। सरस्वती पूजा का चंदा नहीं देने पर पथराव, जिसके बाद बस ड्राइवर घायल अस्पताल में भर्ती। नवादा में सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की पाइपलाइन की चोरी करते नाबालिग चोर गिरफ्तार। पिछले कई दिनों से हो रही थी चोरी। बेगूसराय में स्वर्ण व्यवसायी रवि रोशन हत्याकांड में एक आरोपी गिरफ्तार। कुख्यात बदमाश कंचन पासवान गिरफ्तार। दुकान में घुसकर बदमाशों ने मारी थी गोली। समस्तीपुर में अपराध की योजना बनाते दो अपराधी गिरफ्तार। एक देसी पिस्टल जब्त। अपराधियों से की जा रही है पूछताछ। देवघर में बाबा मंदिर से सटे बड़ा बाजार में लक्ष्मी पंसारी की दुकान में लगी भीषण आग। आग से लाखों की संपत्ति जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। लखीसराय में रेफरल अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा। इलाज में लापरवाही का आरोप। भर्ती होने के बाद 1 घंटे तक मरीज को नहीं देखने का आरोप। सुपौल में टायर की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों की संपत्ति का नुकसान। फायर ब्रिगेड में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।
बगहा में देखा आग का तांडव। रामनगर के मठिया पंचायत में एक मकान में लगी भीषण आग, जिसमें जलकर लाखों के सामान हुए खाक। आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं। बांका में भी देखा आग का तांडव। एक मुर्गी फार्म में लगी भीषण आग से हड़कंप, करीब 10 लाख के नुकसान के अनुमान। जहानाबाद के धोशी में रूई दुकान में अचानक लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जाहिर की जा रही आशंका। नवादा के कादरगंज में शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में लगी आग, 2 लाख की संपत्ति जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सरायकेला के में रफ्तार का कहर देखने को मिला, ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत। बगहा में देखा तेज रफ्तार का कहर, बस की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत। पुलिस की तलाशी के दौरान भागते वक्त युवक हुआ हादसे का शिकार। कैमूर में मनरेगा आवास योजना में लूट का विरोध, जिला परिषद सदस्य लल्लू पटेल ने किया डीडीसी का पुतला दहन। झरिया के ओम प्रियदर्शी गुप्ता ने जेपीएससी परीक्षा में हासिल किए 7वें रैंक। ओम गुप्ता की सफलता पर परिवार में उत्साह का आलम। बोकारो में अनुबंध पर काम कर रहे पारा चिकित्सा कर्मी सिविल सर्जन कार्यालय के पास धरने पर बैठे, नौकरी स्थायीकरण की मांग कर रहे। गुमला सदर अस्पताल में सेवा स्थायी करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना, एनआरएचएम के स्वास्थ्य कर्मियों को स्थायी करने की मांग। शेखपुरा में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण, जांच के बाद डीएम ने ईवीएम के रखरखाव पर संतोष व्यक्त किया। छपरा में रेल विद्युतीकरण काम का निरीक्षण, छपरा में 4 घंटे रुकी रही ट्रेन। पलामू उपायुक्त कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन, जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे ग्रामीणों ने सुनाई अपनी समस्या, डीसी ने अधिकारियों को विवाद को निपटाने के दिए आदेश। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणि हिमांशु बेगूसराय पहुंचे, परिसदन में बाल श्रम उन्मूलन विमुक्ति एवं पुनर्वास विषय पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। बेगूसराय में बीजेपी विधायक ने दिया विकास कार्यों का ब्यौरा, हाई स्कूल में सैनिटरी पैड मशीन लगाने की दी जानकारी, मौजूदा बिहार सरकार पर जमकर बोला हमला। सरायकेला में रन फॉर सेफ्टी के साथ सड़क सुरक्षा सप्ताह का हुआ समापन, इस दौरान लोगों को किया गया जागरूक। धनबाद में सड़क सुरक्षा को लेकर बांटी गई जागरूकता पर्ची, रोटरी क्लब और 36 एनसीसी बटालियन के जवानों ने किया लोगों को जागरूक। धनबाद में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर सिटी सेंटर में रन फॉर सेफ्टी का किया गया आयोजन। इस मौके पर डीडीसी शशि प्रकाश सिंह समेत वरीय अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लखीसराय में 2 दिवसीय केउल महोत्सव की तैयारी शुरू, कोलकाता और कानपुर की झांकी से सजेगा केउल महोत्सव। बांका में 4 दिवसीय भंडार महोत्सव जारी, मेले में पेश किए गए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, इस दौरान बॉलीवुड सिंगर श्रद्धा पंडित और श्वेता पंडित और कॉमेडी कलाकारों ने बांधा समा। कैमूर में कपकपाती ठंड और कोहरे के बीच भगुआ डीएसपी और एक कमेटी का सराहनीय कदम, सड़क किनारे सोने वाले 25 लोगों के बीच बांटे गए कंबल। पश्चिमी चंपारण के बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ 14,000 से ज्यादा शिक्षकों ने खोला मोर्चा, लोगों ने इन पर रिश्वत लेने और शिक्षकों को बेवजह प्रताड़ित करने के लगाए आरोप। आरा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, इस दौरान दबंगों ने की फायरिंग, घटना में 2 लोग हुए घायल। हजारीबाग में शराबियों के हौसले बुलंद, स्कूल के ताले तोड़कर 2 क्लासरूम में दारू का सेवन किया, कुर्सियों को भी तोड़ा, दारू का सेवन करने की तस्वीरें आई सामने। शराब के खिलाफ गया पुलिस ने धनगाई थाने के सुंदरशाही गांव में की छापेमारी, इस दौरान गांव की महिलाओं ने पुलिस पर शराब के नाम पर गाली गलौच और मारपीट करने का लगाया आरोप। आरा के शाहपुर थाने के देवाज कुंडी गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, दोनों पक्षों के कई लोग हुए जख्मी, सभी सदर अस्पताल और शाहपुर रेफरल अस्पताल में कराए गए भर्ती। बगहा के रामनगर में अवैध माफियाओं को बड़ा झटका, पुलिस ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किया जब्त, मौके से ट्रैक्टर ड्राइवर हुए फरार, पुलिस कर रही जांच।
सहरसा में बेखौफ बदमाशों का आतंक, लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने एक युवक के सीने में मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही पुलिस। लखीसराय के रेहुआ गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या से सनसनी गांव में दहशत का आलम, गांव के ही गिना यादव के रूप में हुई मृतक की पहचान। लखीसराय में दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट में एक शख्स की मौत, एक पक्ष ने युवक पर खंती से किया था सर पर हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया था भर्ती, जांच कर रही पुलिस। आरा में बदमाशों के हौसले बुलंद, बाइक सवार बदमाशों ने शख्स को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, घायल शख्स ने गांव वालों पर ही लगाया गोली मारने का आरोप, पुलिस कर रही मामले की जांच। लखीसराय में बच्चों के विवाद में एक युवक की पीट पीट कर हत्या से सनसनी, हलसी थाना क्षेत्र के नंदनामा पंचायत के कठौतिया गांव का मामला, पीड़ित परिवार ने लगाई इंसाफ की गुहार। साहिबगंज में अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, तालचारी थाने पुलिस ने की कार्रवाई। मधेपुरा में पुलिस ने 1 किलो 15 ग्राम गांजे के साथ 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार, गिरफ्तार अपराधियों में 2 महिलाएं भी शामिल, गिरफ्तार अपराधियों को भेजा गया जेल।